पदार्थ लिखने के लिए तैयार हैं। कंचन ओठे मोर छल, और एक कंचन होता ना मोरचल, उसमें जो सोने की मुट्ठी लगी हुई है वो समय बड़े प्यार के साथ जुलाता है। बिहारी दास हमेशा, और बिहारी दास जी हमेशा हक हर समय जो है सेवा में हाजिर खड़ा है। सब कामों में दौड़, सब जो भी काम होता है भाग भाग के सेवा करते हैं। बड़ी सेवा गुजरे, और क्यों समझ में आ गई है कि सेवा जैसा और कोई सुख है ही नहीं। और लाल दास जी सारा काम काज भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं और सेवा में भी हाजिर खड़े रहते हैं। मकरंद इनके साथ, और मकरंद भाई इनके साथ है। नीमा पहना या प्रेम दास, अब नीमा कुर्ती को कहते हैं गरम को, उसको पहराते हैं। और लाल दास जी कस बांधते हैं उसकी, दर्द है सिर पर, और फिर सिर पे धरते हैं गोटा पहना ऊपर, सिर के ऊपर गोटा कंडप्पी ओढ़ते हैं। सर्दी के मौसम के सेवा हो रही है, और उसके बाद जो है वो उस पेज पाग के देते हैं। मुकुंदा, ये मुकुंदा जी की खास सेवा है। पटका कमर, और कमर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे परम धाम में श्री राज्य महाराज के वस्त्र हैं, नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधते हैं, जिसकी किनारे जो है जरी चमक रही है। और कुर्ती के ऊपर सलूका थुरमा उड़ते हैं, और बड़ी अति सुंदर जो है बूटियां महाराज छतर साल जी ने निकलवा रखी हैं। और मखमली तकिए ला के तख्त पर रखे जाते हैं, क्योंकि इस समय पिछले बैर की अर्जी होनी है। भाई बनमाली मात दास जी ने तख्त को बनाया था बड़े प्रेम के साथ। बिहारी दास अपने पास रखता है, आके तख्त के ऊपर गादी और तकिए रखता है। दो जो है सजाई जाती हैं, एक पे राज स्वामी जी और एक पे महारानी जी। युगल स्वरूप का चित्वन कराएंगे। और गांधी भाई गाने में रहते हैं बनमाली दास जी के साथ। तख्त कुर्सी सेवा, और तख्त है कुर्सी है सेजा के सजाने की जो सेवा है करे शामिल हो, वो शामिल होकर के बड़े आनंद से करता है। अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम जी के घर, देख क्रिया की आवश्यकता होती है तो जाते हैं। तब आगे जो है चरण कमलों में पावड़े बिछाए जाते हैं। ये लाल भाई जी की खास सेवा है, और किशनी इनके साथ समझ है, क्योंकि एक पावड़ा बिछा तो दो उठा के आगे ले जाती है, फिर वो उठा के आगे ले जाती है। और ऊपर चंद्रमा बांधते हैं, फम्मा कथे लटक रहे हैं। ये मानक भाई की सेवा है। अब उस सेवा के साथ गंगा दास भी जो है शोभा दास शामिल है। बराबर बात देखे सुनते जाओ, स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी सेवा की बराबरी कोई ना पहुंचे खास, कोई संसार का सुख है ही नहीं। हाथ पकड़ के, अब हाथ पकड़ के लच्छीदास लेके आते हैं पीछे फिरते हाथ दे। अब जब फिर वापस लौट के आते हैं तो लाल दास जी हाजिर खड़े हैं। प्रेम दास चित्ता गले लिए, प्रेम दास बोला नहीं चुप रहो, प्रेम दास चित्ता गले में लिए। कई इसको चिंता पड़ जाते हैं, चिंता नहीं, प्रेम दास नाई थे, और नाई का सामान लोग कुछ भी कटिंग वटिंग उस्तरा उस्तरा सब सामान होता है ना, वो इट्टी में बहता है, उसका नाम है चित्ता। बिंदी लगा दो के तो बन जाएगी चिंता, चिंता नहीं है, चित्ता गले में डाल के और आसन बिछा करके बैठा हुआ है। स्वामी जी आए शिविंग वगैरह करनी होगी, बातें करे बनाएंगे, और स्वामी जी बोले ता बिठा। स्वामी जी कहते जल्दी कर भाई, चित्तनी का समय। कहते स्वामी जी आराम से बैठे रहो, उस्तर तेज है, जानबूझ के डील करता है, और धीरे धीरे बालों को गला जो है सुलाता है, नरम हो जाए। स्वामी जी कहते हैं भाई जल्दी कर। कहते जी मेरी 24 घंटे में आप बारी आई है, मेरी बारी में आपको जल्दी लगी होती, बैठे रहो। अब उस तरह से कहते जानबूझ के ढील करता है सेवा का अवसर लेने के लिए। लटके मटके चलते, तब बस उनकी सेवा हो गई, फिर लटकने में चले और कहां गए, आए बैठे गादी है। अब गादी तक के जहां तख्त है वहां पर आके बैठ गए। सेवा अब सेवा जो सजाने की सेजा थी वो बिहारी दास जी की है, भर करके अति सुंदर भरपूर शोभामान है। दोनों तरफ जो है तकिए रखे हैं, ऊपर पावड़े चलत, और पावड़े पर चल के आके तख्त पर कुर्सी पर विराजमान हुए। पगत ये चरण धर के, अब पक्ति ऊंचा होगा, पक्ति पर
चरण कमल रख के तखत पर बैठ गए। दो बाजो पिंडोली, और उस समय दोनों तरफ पिंडरियों को पकड़त बनमाली दादी पकड़ के बैठ, ये निशानी लगी हुई है पढ़ने की, तो फिर पढ़े जाओ अपने आप। हाथ पकड़त है दसो, आज निशान भी लगवा दिए फिर भी नहीं वो चल सकते, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए कि उस समय गड़बड़ होती है, फिर भी जो नहीं पढ़ी पढ़नी, जो पढ़नी हो छोड़े जाए, निशान नजर नहीं आ रहे तो फिर क्या बात है। चलो हाथ पकड़ है, और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि आए थे ना मुख धुथन वगैरह हाथ धुलाते हैं, छबील दास जी जल जलाते रहे हैं, हाथ रुमाल के साथ हाथ पुछाया जाता है, प्रेम दास जी की खास सेवा होती है। अब इस समय कैवा रोकते हैं भाई, आयु के हिसाब से लेना ही पड़ता सब कुछ, थोड़ा अमल का है कहवा इत्यादि। उस समय ना चाहे अमल कुछ नहीं होता था, कहवा ही लेते थे और छबील दासी देते हैं। अब भोपल जो है चमन परास को कहते हैं, वो लेते हैं इस समय, मानक भाई लेके आता है, काशी हाथ पकड़ते और काशी भाई हाथ पकड़ के कुर्सी पर जो है बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं, अब कलंगी लेके आता है फूलों की परन की। जब स्वामी जी आके तखत पर बैठते हैं, कई प्रकार की सेवा करने वाले सेवा करके आनंद लेते हैं, आवे नहीं जुबान, जो इस जुबान से, क्योंकि सेवा कोई सिखाने से थोड़ी होती, या पूछने से सेवा होती, वो बुढ़िया जैसी सेवा होगी, कभी तुमने क्या किया था, अरे महाराज जी को हमने गर्म गर्म पानी दिया था तो उसने उबलता उबलता। भाव के बिना भला सेवा कहां से हो जाएगी, दिल में भाव होता है ना, हर प्रकार की सेवा का ढंग भी आ जाता है कि कैसे करूं, ऐसे करूं, बहुत ठीक है, दिल ही अंदर से जवाब देता है, अब राजीव राय संयोग को सुख दे है, कहीं राम की बात, कृष्ण की बात, किसी और की बात, और वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जिसको कहते फिरते हैं, यदा यदा ही धर्म सकलान भक्ति भारत आऊंगा, क्या करूंगा, परित्राण है साधन और विनाश है दुष्टों का नाश करूंगा, जाओ कृष्ण का करो समर्पण। और स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं, एक है परमात्मा तो दुष्टों का भी तो वही है, करे कोई एक भी दुष्ट के पापों को माफ, पाप को माफ करने की शक्ति ना राम के अंदर है ना कृष्ण के अंदर है, अपनी मुख से वो कह रहे हैं हम दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं, अभी भी तुम्हारे खोपड़े में कृष्ण है तो घुसा के रखो उसको, नाश कर देगा पहले जाके तुम्हारा, अरे समझने के बाद फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा कोई कृष्ण से दुश्मनी था, कभी उस स्थान में बैठ के राजी ने लीला की पोशाक उतार दी, मतलब ही नहीं है, सोचो तन नहीं होता, तन के अंदर आके राज्य की शक्ति बैठती है, वो तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा जो विष्णु भगवान ने धारण किया, उसके बाद ही तो आत्मक्षर जोश धनी धाम नंद घर की ओर प्रवेश, सब वाणी क्लियर है वही आगे, फिर तुम अपना खुद सोचो, कराए अपनी पहचान, ये स्वामी जी क्या कराते हैं, अपनी भाई ये प्राणनाथ में अंदर जो बैठे हैं राज्य में राज्य शक्तियां वही प्राणनाथ है, और उसी पर चुबई है प्राणनाथ, बोलो बोलो, निज मूल पति, जो निज मूल पति राज्य है वो प्राणनाथ है, महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है, वल्लभ छत्र पकड़ हाँ वल्लभ दास छत्र पकड़ के सिर ऊपर सिर पर फेरता है, हाथ पकड़ उठा और हाथ पकड़ के उठाते, लाल दास जी आके सेवा करते हैं, तखत साथ सोने रूपे, और तखत जो है समय बहुत सोने रूपे चांदी से सजाया हुआ बिछाते, क्यों चितवनी करानी है, राखत है बुद्ध सैन का काम है, सब सेवा में ठाड़ा है और सब सेवा में हाजिर है, आवे जाए लेन देन, कोई सामान होता तो भाग भाग के लेके आता है जाता है, सेवा लिखनहार, और लिखने वाले अब वहां उस समय कोई बाजार तो होता था, नहीं स्याही कोई बनाता था, वो स्याही का जिसमें बबूल की गोंद होती है, बादाम के छिलके होते हैं, जला करके काली स्याही भर के कुज्जा जो है बर्तन बांध के तैयार रखते हैं, स्याही दे तो बनाए, और आवाज देता भाई लिखने वालों हम तो अनपढ़ है लिख नहीं सकते, जिसको स्याही चाहिए वो मेरे से ले लो,
लटके मटके राज चल गए, अब लटकने मटकने चाल चल के आए विराजे तखत तखत पर आके विराजमान हुए। केशव शंकर ले खड़े, और केशव दास जी शंकर दास क्या लेके खड़े हैं, मोर्चा लेके झुलाना शुरू करते हैं। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, ये जागनीय बयान ने नहीं बनाई प्रार्थना, क्योंकि कई भाई ये अर्जी नहीं बोलनी, जागनी बहन की बनी, ये जागनी बहन ने लिखा नहीं। सुनना सबकी सब चुपैया इसमें आती हैं, धाम वतन चलन की, परम धाम चलने की, मोमिन करे इस वक्त बैठ के चित्रनी स्वामी जी कहाँ की कराते हैं, सब वर्णन सुनते चलो। दो बाजू भर के और दो तरफ सुंदर साथ धर के आए के बैठा, सब सुंदर साथ आकर के इधर भी आया, गहमा बैठ गए। रसदीम पहुंचा उन्हें, ध्यान दो इस वक्त स्वामी जी ने क्या करना है, सबको अर्श अजीम परम धाम में पहुंचाना, शरीरों को नहीं आत्माओं को ऐसी चितवन करानी है कि खुद अनुभव परम धाम का शुरू कर दें। हक्के पकड़े हाथ, स्वामी जी ने हाथ पकड़ने का क्या मतलब, सबको नजर दे के अपनी शक्ति और चितवन कराते हैं। श्री महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल भी चितवन में इस समय आके बैठते हैं, सब सेवा में हाजिर हैं, और बड़ी स्नेह प्यार के साथ छत्रसाल जी सेवा करते हैं। पाक दिल निर्मल, और पाक दिल सेवा कौन कर सकता है, जिसका दिल पाक है निर्मल है, जिसके तन में मलिनता है, द्वैतवाद है, सपने में भी उसके सेवा नहीं आ सकती। जो सेवा महाराजा होते भी छत्रसाल जी ने की है, अपने तन से मन से और धन से, अपना तन धन सब कुछ छत्रसाल जी ने अपना तन धन सब बधुज स्वामी जी के चरणों में रख दिया। तो कहा अमीर, तो इसीलिए तो है शोभा भी उसकी होती है। अर्श की निमाज का, आ जाओ फिर अर्जी करो अर्श की निमाज का, यानी परम धाम को चितवन में लेने का आए पहुंचा, ये समय है पिछला, क्योंकि परम धाम में कितने बजे खेल देखने थे, 4:30, परम धाम में 4:30 बजे हैं जब हमने खेल में उतरे, और उसी समय हमने वापस जाना है। तभी स्वामी जी कहते हैं पिछला दिन बाकी रहा घड़ी चार, धाम वतन चलन का मोमिन करें, विचार करते हैं। स्वामी जी एक एक चीज को याद करा रहे हैं। गोकुल अर्ज करत है, अब गोकुल अर्ज करत है, सामे होए तखत, तखत के सामने आके क्या अर्ज करता है, हमको इस खेल से शिताब करो। हे राज्य महाराज, हमें कोई काज ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है आपके चरणों का ध्यान वाणी गाने का, इसलिए कृपा करके जल्दी आप परम धाम ले चलो, हमारे सब मनोकामना पूर्ण हो गई, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, जल्दी ले चलो। कोई काज हमको नहीं है, कोई काम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, सगे नहीं, संबंधी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, जल्दी अब ले चलो। श्री धाम धनी सुनते हैं इस अर्जी को, ये वाणी है जो राज्य महाराज से अर्जी करनी चाहिए, और हम क्या करते हैं, राज्य महाराज की राज्य महाराज गुरुवृत्ति कार ले दो, हम ये अर्जियां करते फिरते हैं। वो कहते हैं ये अर्जी करो, जैसे मिल करके परम धाम में कहा था कि आज हमने अक्षर का खेल देखना है, उसी तरह सब मिलके कहो हे राज्य महाराज परम धाम ले चलो, उसी दिन ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। कई तो सुंदर साहब कहते हैं हाँ जी आपको तो ब्रह्मांड प्रलय करने लगी हुई है, हमें अभी शादी करनी है, कर लो क्या करोगे। वो कहते हैं नहीं रहा कोई काज, धनी जल्दी निकालो और हमें परम धाम ले चलो। अब स्वामी जी कहते हैं ये नहीं है कि वे राज्य महाराज तुम्हारी विनती को स्वीकार नहीं करते, दुआएं प्रार्थनाएं अर्जी जो सुंदर साथ करता है होता है कबूल होती है, स्वीकार करते हैं, ये नहीं कि तुम नाम सुमरण करते रह जाओ, नहीं, अरे धनी है वो हमारे, हम उनकी अंगना है, पत्नी के और पति न माने तो चलेगा कैसे, स्वीकार करते हैं हर तरह से, पर जो परम धाम की दुआएं करो वो तुरंत तुम्हारी जो है राज्य में राय पूरी करेंगे। अर्ज करिए साथ ने
एक बात अर्ज करी और हजार गुना ज्यादा सुख राज्य में राय देते हैं। कई भांत धनी दिए सुख, कई भांत अनगिनत सुखा पार राज्य में राय की मेहर रहती है। खेल समेत बैठा के धाम में, वो कहते अरे तुम तो अपने आप को कहते मैं खेल समेत ही तुम्हें अखंड कर दूंगा, तुम्हारी आत्म परम धाम ले जाऊंगा, खेल भी अखंड कर दूंगा, परम धाम से बैठे देखते रहना कैसा खेलता। गौ ठोर धन धन किए, मोमनों को दोनों ठोर धन धन किया है, शोभा बख्शी क्यों उनके अंगना के इतना ज्ञान स्वयं मोमनों के ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा के पास भी नहीं है जो आज तुमको दिया है लाके। अब ध्यान दो चितवन के समय, क्योंकि रतनपुरी में जरा चितवन कड़ाक से कराई जाती है ना, अरे भाई मिलिट्री का अनुशासन है, अब जरा कान के पर्दे खोल के सुनना, ढाल तलवार तरकश तीर कमान जो है पैरे पे लेके सुंदर साथ खड़े हो जाता है, जरा खट किसी ने कहीं कान पकड़ के बाहर, और बाद में कोई आ नहीं सकता चित्तौड़ में, किस लिए कि उसके जरा डिस्टर्बेंस से सब की सुरता टूट जाए, इसलिए जो है इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं। पहले मुरलीधर आके तलवार तरकश लेके खड़ा होता है, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे, कोई दिन गिरधर, बारी बारी से इस सेवा को करते हैं, फिर लाल दास को दी चल भी आज तू सेवा कर इसकी, संतदास खड़ा रहे और संतदास भी खड़ा रहता है, कब वो दूसरा भिखारी दास, कब दूसरा भिखारी दास। देखो बड़ा कठिन है स्वामी को सुंदर सा जी सुनना, हमारा कोई महाराज भी फराश को जिसको भंगी स्वीपर कहते हैं टच नहीं कर सकता, और स्वामी जी उस फराश को अपनी सेवा देते हैं, पीछे बुद्ध से न भी कर, किस लिए, अरे फराश है तू शरीर से, आत्मा तो फराश नहीं, बड़ा कठिन है, और यहां इतने छुआछूत के अंदर हमारे अगुए पड़े हुए हैं तो हम उनके पीछे कहां जाके मरेंगे, छोटी जाति का कोई बनने जो है भोजन नहीं करता, वनकर जाति का कोई जो है नौतनपुरी में आने नहीं देते, क्यों उनकी आत्मा नहीं है, लेकिन कहे को सुनो समझी के फराश है, फराश में स्वीपर जो होते हैं महलों के उनको जो है सेवा दे रखे अपने बिछाने के, ये मेरा बिस्तर तो बिछा, काम के पर्दे खोलने पड़ते हैं, सूरत सिंह राखत है और सूरत से लेके खड़ा है तरकश तीर कमान, वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है, बर्छा लेकर के घनश्याम खड़े हैं, करे ए सेवा है ताकि सुंदर साथ का चितवन में डिस्टर्बेंस ना हो। श्री भाई जी पठे देते हैं, अब श्री भाई युवराज जो है रुपये थाले में श्रृंगार भेजते हैं, क्यों अगर सुंदर साथ का ध्यान एक मिनट के लिए परम धाम नहीं जाता तो सामने श्री राज जी स्वयं वही श्रृंगार स्वामी जी पहन के बैठते हैं, हाथ मकरंद के, मकरंद भाई लेके आता है श्री राज के वास्ते भूषण और राज्य महाराज के वास्ते भूषण, यावत है नित्य ये सेवा करते हैं, रखे भी रुपए, रुपए की रखे भी है जिसमें डाल के लाते हैं, चलिए महाराजा पहना बस, महाराजा 76 साल जी पहलाते हैं, लिए कपड़े हाथ मोमिन, लिए पकड़े हाथ मोमिन, कपड़े क्या करूं अर्थ में, अब पकड़े को कपड़े पड़े तो मेरी तो ब्रेक लग रही है, लगनी है, पकड़ करके अपने हाथ से पहलाते हैं, गिरद चंद्रिका कमल जो, ध्यान दो चंद्रिका बताई थी ना पाक के ऊपर, वो पहले लगाते हैं, लटकत पाग ऊपर, ये पाग के ऊपर लटक रहे हैं ऐसे, मैंने जैसे आपने कई फोटो भी देखी होंगी यहाँ पर चंद्र का होती है मोतियों की चरण लटते यहाँ तक रहते आंखें बंद नहीं करते, वो सिरे मोती लटकता और सिरे मोती लटक रहे हैं यहाँ पर, अरे हीरा जोत और हीरा डायमंड लगा हुआ है उसकी जोत तेज भी है होती है, महाराजा पहना ए महाराजा 76 साल जी की से और फिर यहाँ पहुंची बांधते हैं, हीरा मानक जल करता और हीरा मानक के नग जड़े हैं, ये महाराजा का काम, ये महाराजा 76 साल जी की सेवा है, और अंगुरियों मुंदरी, अब मुंदरियां जो है पिराते हैं जल्दी में, अगर कोई फिट देख रहे हैं फिटनिया भी पटक से अपनी उतार के पिरा देते हैं, श्री महामत कहे ए धाम के दुला श्री ब्रह्मनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी, ये चौथे पहर की, ये चौथा पहर शाम के 6 बज गए अब 6 से 9 पांचवें पहर की चर्चा सुनो, अब कहो पहर पांचवां पहर सुनिए, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन से
मन से हेत चाह करके अब कहूँ पहर आप पांचवा प्यार सुनो जब समय आया सांझ के 6 बजे से 9 बजे तक का वह समय बैठन का अब इस समय फिर बैठते हैं ऊपर इन तखत पर लच्छो अर्ज करते आप ध्यान दो लच्छो एक सुंदर साथ है वो आके क्या अर्ज करती है कहे स्वामी जी आज हम जब परबंधम उठेंगे तो कौन से घाट जाएंगे श्री राजा उत्तर देते हैं तो स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं आज पधारे पाट आज पाट घाट चलेंगे वहाँ पर सुखपाल लगे खड़े हैं तीसरी भूम के छज्जे के साथ तखत बिछाने होते हैं अब फिर इस समय क्या होता है अब सुंदर साहब ने चित्तवन करना होता है ना एक स्वामी जी का नहीं तखत लगता साथ बाईजू राय का भी बाएं हाथ तखत लगता है बिहारी दास की सेवा होती है और हर प्रकार के ऊपर सूजनी चद्दर तखमल मलमल के उसके मखमल के तकी बिछाते हैं इत जोड़े तखत के और तखत के जोड़े ही गादी बिछोने होते हैं चार कमाते चारों हाँ चारों तरफ से चंद्रमा तना है बिहारी दास जी की सेवा है सुखपाल में बैठ के अब इस समय बाईजू राज को सुखपाल में बिठा के कंधों पर उठा के लाते हैं अब आके बाईजू राज चितवन जब हो गया तो पांचवें पैर संध्या के समय का भोजन के लिए अर्जी करते हैं कि हे धनी समय हो गया है फिर आप चर्चा में बैठ जाओगे थाल ले आऊं बात तो स्वामी जी ने कहा लाओ भाई इसको भी खत्म करें तब जो है थाल रोकने की आज्ञा हुई तब महारानी जी सजा के ले आते हैं और मथुरी और हिम्मत खान बेगम जो है हिम्मत बहन लेकर आई साग है तरकारी जो कटोरियों में डाली थी लेकर के आगे धरते जाते हैं और महाराजा छत्रसाल जी और भाई जुराज बैठ के पास मतलब शुरू करवाते हैं खिलाते हैं हाथ पकात प्रेम और बड़े प्रेम के साथ पहले हाथ धुलाते हैं मानक सेवा ये मानक भाई जी की खास सेवा होती है हाथ पहुंचने के बाद से रुमाल हाँ। महाराजा छत्रसाल जी रुमाल देते हैं ये मुहाड़े अपने बांध के अब ध्यान दो आज भी पन्ना जी आप जाओगे ना जितने भी पुजारी होते हैं थाल भोग लाते हैं तो मुख के आगे रुमाल बांधते हैं हमें समझ नहीं आती भी मुंह में क्यों बांधते हैं क्योंकि गरम गरम कोई भी वस्तु होगी तो उसकी सुगंधी बोलो आ जाएगी ना तो सुगंधी आगे जूठा हो गया भाई सुगंधी से रस तो आपने ले लिया फिर वो काय का भोग रह गया इसलिए महाराज छत्रसाल जी विधि बता रहे इसमें कोई छुआछात नहीं है एक पवित्र भाव की बात है हमें भी अवश्य जो सुंदर साथ भोग लगाए इस भाव से करना पाप नहीं है अच्छा है छत्रसाल जी भोग के ऊपर रुमाल बांध लेते हैं और स्वामी जी बड़े हेत तो प्यार करते आरोपते हैं कहां तक ये बातें आपको समझाई जाए सिर्फ इसके सुनने से सुंदर साथ के हृदय में एक भाव पैदा होता है राजभोग में जो सामग्री संध्या समय होती है वो सब रखी जाती है सब साग तरकारी और सब साग है तरकारी है सब रखा जाता है थाल लेकर के आगे रखा बैठे पकड़ और महाराज छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं मीठी रसना सो बातें और स्वामी जी भी आरोपते भी हैं साथ बड़ी मीठी मीठी रसना से बातें भी करते हैं कोई सुंदर सा पूछता है बताते भी हैं रीज करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर के उत्तर देते हैं और बड़े प्यार के साथ आरोग रहे हैं बातें करे बनाए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी वो होती है तो करते हैं अब रिझाने वाले उगाने वाले भी आकर के बैठ गए गा गा के धनी को रिझा रहे हैं कवल देत उनको खा भाई दर्द तेरी स्वर बहुत अच्छी प्रसाद देते हैं और भाई जी भी बातें करती हैं आरोगने के समय में के और स्वामी जी रीज करके भाईजू राय को कहते हैं ये सामान और ला ऊपर बैठ तखत पर बैठ करके जब छबील दास ले आए और जल बचा जल का नाम आ जाए छबील दास लेके हाजिर खड़ा है आरोगने के समय कंचन कटोरे सुंदर कंचन सोने का कटोरा है जिसमें वो जल लेके आता है दो ये दोनों वक्त अरुपाने के लिए
सब मिसाला लेके आते हैं, मेवा मिठाई पकवान, मेवा है, मिठाई है, पकवान है, जो सुंदर साधने और भी बनाए होते हैं सब आके आगे रखते हैं। और स्वामी जी उसके भाव पूरे करने के लिए बड़े प्यार से उसको भी लेते हैं। याद रहे आरोग, जब आरोग चुके सब साल उठाया जाता है, थाल उठा लिया, तब चालू कराया बड़े प्यार के साथ। ए महाराजा, 76 साल जी की सेवा है। आप इस समय क्योंकि आप बैठेंगे तो रात के 2 बजे तक बैठेंगे, इस समय फिर कहवा लेते हैं, ले आई मानक, ये मानक बाई लेके आती है और भर करके जो है दे देती है। ये जो गंगा दास जी की खास सेवा है, फूल सुपारी बीड़ी, और फिर उसके बाद पान बीड़ा दिया जाता है, फूल है, सुपारी है, सब चीजें कल्याण भाई और उगाता है ये सेवा श्री भाई जी की। और उसको पान बीड़ी को लगाना ये खास भाई युवराज अपने हाथ से लगाती है, सेवक अपना जान, अपना सेवक जान के स्वामी जी ने कहा भाई भाई युवराज ये पान बीड़ा तुम लगाना, क्यों सुंदर सा भाव से किसी ने बातों के अंदर चूना लगा दिया ज्यादा नमक फट जाएगा। भाई युवराज अपने हाथ से पान बीड़ा लगाते हैं, महाराजा अपने लगाते हैं, हाँ मानक भाई छबीला ले गए थे, जितनी इच्छा होती है सुपारी है, लवंग है, इलायची है, वो ले लेते हैं। और सेवत महाराज, हाँ महाराजा छत महारानी जी सेवा करती हैं, हार कलंगे, हाँ इस समय हार कलंगे महाराजा 76 साल जी भी बना के देते हैं और उनके महलों से रानियां भी बना के भेजती हैं, उपरा ऊपर जो है सजाते चले जाते हैं, और ले नाम बताते हैं भाई उनके घर की सेवा है, और एक रस होकर के बताते हैं महाराजा कलंगी बनावत, महाराजा 76 साल, इनमें चुपैया सारी निशान है, हाँ महाराजा 76 साल जी बाजार के फूल नहीं लेते, अपने रावल से तोड़ के अपने हाथ से माला बनाते हैं, लटकनी और लटकनी छवि के साथ जो है पास पर रखते हैं, हाथों हाथ धरते हाथ हैं महाराजा के रावल से, महाराजा 76 साल जी के महल से कलंगिया महारानी बनाती हैं, वो भी आती है अपने और चित्र, हर एक के चित्त में जैसा भाव है स्वामी जी कहते हैं उतने ही सुंदर उनके फूलों के भी जो है कोई गजरा बना देता है, को कुछ कर देता है, सजाते हैं महाराजा अपने, और महाराज अपने हाथ से देते हैं, कहाँ कहे जाए स्वामी जी कहते हैं एक आपको भाव के लिए बता रहे हैं, और कहाँ तक इसका कोई सेवा का भी कोई लिखना होता है, ये लिखने से बाहर की वस्तु है, जहाँ तक स्वामी जी तखत पर बैठे हैं और आई जो आके मोरछल कर जलाती है, तो कहो न जाए वक्त की सेवा जिसने लूट ली फिर दोबारा समय आता नहीं, महाराजा मोरछल लेके, हाँ महाराजा 76 साल जी मोरछल लेके दोनों तरफ जो है चमर ढुलाते हैं, एक बदल लाल खान, एक तरफ शेख बदल, एक तरफ लाल खान है, हाथ फेरत चमर बना, और ऐसा चमर घुमाते हैं कि दूसरे ट्राई तो बहुत करते हैं हम ऐसा चमर घुमाए पर किसी से घुमाया जाता नहीं है, कबू पीछ पीछे हो गए, लाल केशव दास जी अर्जी करते हैं कुरान हदीस छुपाई का निशान लगा है, चलो अब वो पीछे से होके कोई कुरान की हदीसें होती हैं उनको नहीं समझ आती तो पूछते हैं स्वामी जी इसका अर्थ क्या है, सामने हो बताते हैं सबके सामने, रहे पढ़ने की गरज, वो पढ़ते हैं वहाँ पर चितवनी की वारी में, अब चितवन की वारी में, ये नहीं कि रोज स्वामी जी की रहें ना, जब सबको आ गया अच्छा भाई आज आप चितवनी कराओ, चलो आओ अब आज चितवनी कराओ, आज आप कराओ, सबको बिठा के कराते हैं, क्यों मन के संशय कैसे उठेगी, वो तो फिर रट लिए गली को बार के गई थम गए दूसरी गली को बार के थम, उसका फायदा क्या, बैठो और करवाओ और करो, गलती होती थी तो उसको फिर समझाते थे, भोग दियो वक्त इन, और इस तरह से सब सुंदर साहब ने भोग देवी ने आके समय दिया, गावत संध्या को उसर, अब इस समय क्या गाया जाता है, यह हुआ रे संध्या का अवसर, संध्या का अवसर गायन होता है, पहर रात लो रोशन, पहर रात तक 9 बजे मना अर्ज करते हैं, एक नाम है सुंदर साथ का वाक्य अर्ज करते हैं, अब वो था नहीं कहते स्वामी जी मैं तो थी नहीं रसोई में थी तो जरा बताओ श्यामा जी और राज्य महाराज के वस्त्र क्या हैं,
साड़ी रंग सिंदूरी है। आप स्वामी जी बताते हैं कि श्यामा महारानी की साड़ी सिंदूरी रंग की है, श्याम जड़ा कंचुकी और श्याम रंग की कंचुकी है। कंचुकी कहते हैं, बोला उसको शायद किसी सुंदर साथ को ना पड़ो। चरनिया कहते हैं जो साड़ी के नीचे एक वस्त्र पेटीकोट पहना जाता है, वो नीले रंग का है। ये वस्त्र ठकराने ये श्यामा महारानी जी के वस्त्र है। चीरा रंग सिंदूरिया, राजीव राय का जो चीरा पाग है सिंदूरी रंग की है। जामा सफेद जवेर और जामा जो झाबा है वो सफेद है। पछड़ी रंग आसमानी, ऊपर जो आसमानी रंग की चादर पिछेड़ी है। एक परवरदिगार, एक परवरदिगार राजीव राय के वस्त्र हैं। नीले पीले रंग को, और कमर में नीले पीले रंग का पटका है। कमर और कमर में पटका बंधा है। केसरिया रंग इजार है, और केसरिया रंग की इजार धोती नहीं, धर्मधाम में भी धोती इजार। इजार कहते हैं चूड़ीदार पजामा, और ऊपर से दरा खुला होता है। ये मूल बागा श्री राज जी और श्यामा जी का है, इसको दिल में ले लो, इस स्वरूप श्रृंगार को हृदय में बसा लो। आज नीरत नवरंग भाई, और आज नवरंग भाई की नीरत है तो उसका क्या श्रृंगार, कौन से वस्त्र होते हैं? साड़ी जड़ाओ श्याम, श्याम रंग की साड़ी है ब्लैक, और आंबा रंग कंचुकी, आंबा रंग की जो है कंचुकी पहरी है। पांच पट्टे चरणिया इस ठाकुर, और जो चरणिया है पेटीकोट पांच पट्टेदार है। पहनी इजार नीली, और वो जो इजार है वो कैसी है? नीली पहनी हुई है। अब देखो साड़ी के नीचे इजार है, क्यों? नाचने है, समझ नहीं आई अभी? साड़ी के साथ नाचना तो फिर पर्दा तो नहीं रहेगा ना, इसलिए उसने नीचे इजार पहनी हुई है। ये वस्त्र भाई ए नृत्य जिसने भी करना होता है उसका है, नवरंग भाई है। और श्रृंगार सब साथ, और सब ध्यान दो सुंदर साहब जी, और सब सुंदर साथ का श्रृंगार जैसे श्यामा महारानी जी का होता है वैसे ही सब सुंदर साथ का है। एक भाव, एक दिली, एक रूप, एक लीला है। ये वस्त्र सब साथ, ये वस्त्र सब साथ के हैं। रहते वक्त दो है, और दोनों वक्त ध्यान दो, एक वक्त नहीं, इसकी चितवन दोनों समय स्वामी जी बैठ के कराते हैं। मूल मिलावा सिंहासन, छह पाए छह डांडे, राजी के चरण कमल कैसे हैं, श्यामा जी कैसे बैठे हैं, उनके वस्त्र श्रृंगार क्या है, सवेरे शाम और कोई चर्चा हो ना हो चितवन अवश्य होती है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में, स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी तुम्हारे वास्ते ये अंग वस्त्र कह दिए हैं, वरना इस संसार में दो तीन ही स्वरूप दाता हैं, लक्ष्मी उमा और सरस्वती, और कहने वाले भी फरिश्ते हैं जिन्होंने आके वर्णन किया है। और वो स्वरूप भी कहाँ का है? वैकुंठ का है, जिसको मलकूत कहा है कुरान में। कहने वाले फिरस्ते, और कहने वाले देवी देवता हैं, उन्होंने आके श्रृंगार बताया लक्ष्मी जी का कैसे वस्त्र और भूषण है। जिनका ठौर जबरूत, और जिनका ठौर भी कहाँ है? जबरूत है। ये सूरत अर्श अजीम, ध्यान दो, ये स्वरूप कौन सा है? अर्श अजीम परम धाम के युगल स्वरूप का जो है स्वरूप है। अक्षराती, जिसको क्या कहते हैं? अक्षरा तीत कहते हैं। बंसरी कहाँ है भाई? अगर कृष्ण अक्षरा तीत है तो यहां बंसरी आनी चाहिए भाई, यार धोती चाहिए, वो तो यार पहने हुए, पर क्योंकि 300 साल से कूट 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 कृष्ण को सेड़ रखा, वो निकलना मुश्किल हो रहा है। ऑपरेशन कराओ किसी डॉक्टर बढ़िया से, वो निकाल देगा, रसल फिट कर देगा। क्या सारी वाणी गलत हो गई? इतना भी समझाने पर सुंदर सा जी जबरी नहीं, जिनको कृष्ण और राम अक्षर होते दिखते हैं सुमरण करो, मैं मना करने ये वाणी सुन, बस ये वाणी किसने कही है? अक्षरा तीत ने, और वही अपना श्रृंगार बता रहे हैं। कहने वाले धाम धनी, बोलो कौन कह रहा है? धाम धनी खुद आके कह रहे हैं। सुने मुमिन कर प्रतीत, और सुनेगा भी कौन? यकीन भी किनको आएगा? जो परम धाम की आत्मा है, बाकियों को यकीन आना ही नहीं। निष्ठाबंद सुनते, और निष्ठाबंद बैठ के सुनते हैं, जब चितवन होती नहीं भागो, चितवनी शुरू हो गई है। जय सच भवे कान, और जिसके कान भी सच्चे,
झूठी माया के कान जिनका यकीन नहीं वो सुन ही नहीं सकते। पांव हाथ अंग इंद्रिया। आप स्वामी जी कहते हैं ये जो मैंने तुम्हें राज्य के चितवन के वास्ते पांव हाथ अंग इंद्रियां कही हैं, ये ना समझ लेना वहां भी कोई आदमी बैठा हुआ है, ये नाश होने वाला है और वो नूर ही नूर का स्वरूप है। अब जो इन चीजों को उस भाव से लेता है उनकी आंखों में हर वक्त जो है राज्य का स्वरूप श्यामा महारानी जी का स्वरूप रहता है। दूसरा कोई दाय के, और अगर कोई दूसरा आके, दूसरा मैंने जीव और ईश्वरी सृष्टि अगर आ भी जाती है तो ना बैठ सके, और मतलब बैठ ही नहीं सकेगा, अगर बैठ भी जाएगा तो नींद आ जाएगी उसका, आगे जीवी पापी भरा पड़ा है, छल है, कपट है, शम से उसको सुख ही नहीं मिल सकता। और अगर किसी के खुशामद, अरे जन्म मरण से छूट जाएगा, अरे बेवकूफ चल चर्चा सुन ले, किसी के खुशामद से आके बैठ भी जाएगा पर मीने न बैठ सकता, पर उसके दिल में एक शब्द भी नहीं जाएगा। ये तो बात भक्ति से नहीं मिलती, माला से नहीं मिलती। कहीं तो स्वामी जी कह देते कि माला से मिलते, मैं तो माला लेके बैठा देता। ए बाबा संसार के कर्म करनी है, आशक कभी मशूक की माला नहीं रटा करते, उनके रूम रूम में ही मशूक बसा करते। विचारो कहां की बातें हैं, अगर दुनिया में ना आए होते तो क्या दुनिया में यवानी आ जाती। सपने ही छोड़ दो, करोड़ों बार दुनिया बनी बन के मिट गई, ये ज्ञान आज दिन तक किसी के पास नहीं है। स्वयं ब्रह्म सृष्टियों के होए ना बिना संबंध, अक्षर अक्षर के पार है पी अक्षरातीत आधार, और बिना ये नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकेगा। जो दुनिया को देख ही, और जो दुनिया को देखेगा बड़ा अंध, जो दुनिया की तरह रहे क्या, राज्य भी तो हमारे तरह ही है, उनके भी नाक कान है, तो फिर क्या। स्वामी जी कहते हो अंधा है बिल्कुल, जीव मुर्दा है। आए समय आरती का, अब आरती का समय आ गया, चारों तरफ संध्या आरती में सब सुंदर था। अरे चलो संध्या आरती हो रही है, इन समय शोभा की, अब इस समय की शोभा क्या होती है, बस गहमा गहमा बंगला जी भर जाता है, कहो न जाए हरब। इस शोभा का एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। श्री भाई जी आवत समय, अब भाई जो राज आ गए, क्यों पहले वो आरती उतारी, उनके चरणों में पावड़ा बिछाया जाता है, आसन जैसे होता है, फिर पहले वो बिछाएंगे, फिर सब सुंदर साथ अपने घरों से प्लेट और एक आरती लेके आता है, सब जला करके युगल स्वरूप पर स्वामी जी और भाई विराज की आरती उतारते हैं। आरती हो आनंद, और बड़े आनंद के साथ आरती बोलते हैं, करत अति घने प्यार, और बड़े प्यार से सब सुंदर साथ बोलता है, क्योंकि मेरे राज्य विराज की आरती है, शोभा हो तो संसार में। और इस आरती से राज्य विराज के स्वरूप की संसार वालों को पहचान होती है, करते सबे मन, करत सबे मन, और सब आरती करके अपने मन को खुश करते हैं कि नहीं ठीक है आज हमने आरती बोली है। और झांझ है, ताल है, सब कुछ विधिवत, ये नहीं बजाया और भाग गए, बिल्कुल एक थैली में रखा जाता है सिस्टमेटिकली। ये दगड़ा दत्ता एलिजपुर के सुंदर साथ है ना, ये वो सेवा करता है आरती समय लिया, और आरती के समय में लाके थैली और लौट देता, लो भाई जिसने चाहिए जान तो पूरा वगैरह सामान ले लो। भाखरिया नाचता, और भाखरिया एक सुंदर साथ है, जैसे ताल बजती है उठ करके नाचना शुरू करता है, दो बाजू चमर ढोला, और दो तरफ चमर झुलाने वाले खड़े हैं, लाल भाई सबसे पहले झुलाती है, गोविंद दास भी करता है, कोई दिन शिवराम, कोई शिवराम ने भी जो है मोर्चल झुलाया, गावे गवावे साथ को, गावे भी और चुप क्यों, बोलो तुम भी बोलो, आरती गा गा के करते हैं, सुंदर साथ को गवाते हैं, ये सेवा मुकुंदा, ये मुकुंदा जी की सेवा है, आरती में आए खड़े, आरती में आकर चलो बहुत नित विलास, और नित आनंद मंगल से आरती संध्या की बोली जाती है, कभी उत्तम दास आता है, बजावत है मुदंग, कैसे ढोलक बजाता है, धैट धैट धड़ाके के साथ आरती होती है, ताल मृदंग से झांझ ताल बजावत, झांझ है, ताल है, मृदंग है,
कई सुंदर साथ इस समय इसमें मगन है। गाने में आगे खड़ा, गाने में सबसे पहले आरती कौन गवाता है? परमानंद के, मतलब ऊंचा स्वर है इसका, इसलिए वो पहले बोलता है फिर सुंदर साथ बोलते हैं। और आरती गाते समय इस भाव से लहर को बदलता है कि सब सुंदर साथ मगन हो जाते हैं। आया कुवत माफक आकीना, अब जितनी कोई ताकत लेगा उतना बोलेगा उतना ही तो यकीन। और हम क्या करें, आरती हो जाए मर गया हो जैसे, तो यकीन कहां से आ जाएगा? कहते हैं जितना यकीन को लेता है उतनी ताकत भी लगा के राज्य की आरती बोलता है। साथ सबे खड़े रहे, सब सुंदर साथ खड़े हैं, दोनों तरफ से भर सुंदर साथ खड़े हैं। झांझ और मृदंग धूर बजाया जाता है, अखंड आनंद हो रहा है बंगला जी में। सुन धुन इन समय की, ध्यान दो इस आरती की धुन स्वर को सुन करके कुली दजाल शैतान का तरे भाग जा। यहाँ तो प्राणनाथ धाम धनी की जय हो रही है, मार डालेगा ये अपन को, भागो यहाँ से। नीचे मुंह को मारेगा, जिस घर में सुंदर सा जी ये ध्वनियां उठती रहेंगी वहां शैतान दज्जाल दुका नहीं सकता। यही मेरा है काल, ए काल है, ए प्राणनाथ का नाम जयकारा जो है मुझे खा जाएगा। भाग भैया यहाँ से, चल वहां चल के बस जहाँ प्राणनाथ की आरती नहीं होती। मेघा गाती बिछाता, मेघा आके अब गाती बिछाता है आप भाई जो राजा गए। पहले पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है ना, और उसके बाद आरती जो है अब बोली जाएगी। बाईजुराज आ गए, आरती जो है 32 घर वाली है वो सजाई जाती है। श्री भाई जी तिलक करे तिलक, अब पहले क्या है चंदन पुष्प तिलक और फिर चावल छोड़ते हैं। राघव रुमाल कर, राघव आगे रुमाल रख देता है, करे सेवा अपने बल, ए अपनी जो है सेवा करता है। आरती करे आनंद सो, और बड़े आनंद से आरती सजाई गई। भाई जी भाई जो आके खड़े हो गए, ये सेवा की जोगवाई, ये सब सेवा का सामान जो है लाके आगे रखा गया। साथ रुक्मणी लिया, और साथ सब रुक्मणी लेके आती है, फिर दोनों तरफ से जलाए जाते हैं दीपक उसके। रूपे पंच घड़िया, और रूपे की पंच घड़िया, लेकिन 32 उसके दीपक है। पन्ना जी में आज भी वो 32 दीपे वाली आरती होती है। करे फिरते प्रकाश चमोदी, और चारों तरफ जब चारों तरफ से दीपक जल जाते चारों तरफ रोशनी होती है। सेवत मन प्रतीत, और बड़े मन के भाव से सेवा प्रतीत होती है। कंचन थाल चहु मुख दिवला, कंचन थाल चहु मुख, चारों तरफ जो है दीवले उसके दिख रहे हैं। दीपक ज्योत प्रकाश, और दीपक जितने भी सबकी ज्योत प्रकाश तेजोमयी है। करत आरती जियावर रानी, करत आरती जियावर रानी, ज्ञानी महारानी जो अपने जिया व धामधनी के ऊपर आरती कर रही हैं। आनंद अंग उल्लास, अंग में आनंद लेकर के जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। अब बाराई जी इधर बैठ गए आरती के बाद, अब सुंदर साथ करेगा किसके ऊपर? युगल स्वरूप अति सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे, ये हमारे श्याम धाम के धनी युगल स्वरूप हैं। मंगल रसिक वदन की शोभा, मंगल रसिक वदन की, दोनों का सुंदर स्वरूप शोभायमान और रसिक आनंद देने वाली वाणी है। निर्खनता मन मोहे, जिनको देखने के लिए मन की तृष्णा मिटती, मन चाहता है हर वक्त इनके दर्शन होते रहे। सत्या निरत करे और गाए, सब सुंदर साथ भी जो है नृत्य कर रहा है गा रहा है। आनंद अखंड अपार, और बंगला जी में अखंड आनंद हो रहा है। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, आज वो बजाने वाले सुंदर साथ हैं, ताल मृदंग झांझ सब बजा रहे हैं। सखिया बोले जय जयकार, और सखिया पीछे जय जयकार बोल रही हैं। वदावे मुक्ता फल सखिया, अब यहाँ जब ये जुगल स्वरूप की आती है तो मुक्ता फल नारियल तोड़ते हैं। श्याम सुहागी, के हम सुहागिन नार हैं और ये हमारे धाम के धनी अखंड हैं, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। तन मन जीव निछावर की, ऐसे धाम धनी युगल स्वरूप के चरणों में तन मन जीव निछावर करूं। श्री इंद्रावती चरणों, इंद्रावती के आत्म युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। रुक्मणी थाल, बस अब आगे रुक्मणी थाल धरती है, राज के आगे, आगे। बस अब जितने जो है और भी सुंदर साथ आरती करते हैं वो आते जाते हैं, सबकी थाली में रखे भी में
प्लेट में एक एक पान बीड़ा स्वामी जी अपने हाथ से देते हैं। अरे महर धाम ए राजी महाराज की मेहर होती, प्रसादी पान की मिलती है और सबकी थाली में, और सबकी थाली में है बीड़ी, बीड़ी डालते हैं सेवा कल्याण प्रहलाद। अब इतनी बीड़ियां लगानी है तो कल्याण और प्रहलाद पान बीड़े पहले से तैयार करके स्वामी जी के पास रख देते हैं, वो नित सेवा करते हैं। इस तरह से जो है बंगला जी में खूब रोज जो है संध्या आरती होती है, बहुत है बंगले और बंगला जी में कई खलक आवे दीदार को। अब इस आरती को देखने के लिए कई जीव सृष्टि और लोग भी आते हैं, सुन कायम ही पावे, और जो मगन होके सुन लेता उनको भी आत्मा की तसल्ली हो जाती है। इत दोनों सूरज मना, और सूर्य मन जो है बड़ी अच्छी ध्वनि के साथ आरती करता है, आरती जो है गायन करता है श्री धाम धनी जियावर के, और किसके गुण गाता है श्री धाम धनी जियावर, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं। नाम ले तो भागे विरोध, जिनका नाम ही लेने से मन के विरोध खंच दुख दूर हो जाते हैं, पर जिन्होंने लेना ही नहीं कृष्ण कृष्ण कहना, उनके मन के विरोध कहाँ जाएंगे, उनके मन में विरोध ही उमड़ा करेगा। यही अक्षरातीत है, लिख देते कृष्ण अक्षरातीत है तो मुझे कोई तकलीफ थी, ये अक्षरातीत है प्राणनाथ, और कोई अक्षरातीत नहीं है। यही है धनी धाम, यही हमारे धाम के धनी है, यही मोहम्मद मेरी, यही मोहम्मद बन के आए थे, यही सतगुरुदेव चंद जी का रूप धारण करके आए थे, यही पूरे मनोरथ, और यही हमारे मन की कामना पूर्ण करेंगे। इन बात कई गावत, इस तरह से जो है कई सुंदर साध वाणी गा रहा है, मन में मगन हो करके कई साथी संग गावत, और कई उनके साथ भी गाते हैं, साथे सूरज मन और सूर्य मन के साथ। इत बात आरती समय, इस तरह आरती के समय में कई वेद जो है करोल आनंद ही आनंद हो रहा है, गए बंगले ना, और बंगला जी के अंदर हाय गए मतलब इतना रस है, इस तरह से ध्वनि उठ रही है के पास खड़े आदमी के साथ भी कोई बात करना चाहे तो सुनाई नहीं देती। कोई सुख नहीं, इस सुख के तोल कोई नहीं है। एक पहर रात लो, अब एक पहर रात हो, 6 से 9 बजे का समय हो गया, ये मनोहर आरती होती है, कोई आवत कोई जात है, और फिर उसके बाद जो जीव सृष्टि है आरती होगी ले ली, चलो भी चले कहीं चले भी जाते हैं, कहाँ तक इस चीज को कहा जाए। सिंहासन भाई जी, अब भाई जुराज कहाँ के बैठ गए, सिंहासन के ऊपर, युगल स्वरूप शोभा, अब युगल स्वरूप की वो जो शोभा है वो किस सुभान से वर्णन की जाए। आनंद स्वरूप सुतेज जो, अब आनंद ये स्वरूप जो है युगल स्वरूप, और इनका तेज और वो शोभा कहाँ लो कहो बनाए, कहाँ तक उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो अनुभव की चीजें हैं। श्री महामत कहे ये साथ जी, आप धाम के वासी प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, भया चर्चा का वक्त, भया रात के 9 बजे आदेश हो जाएंगे जाए। सर उन्होंने कहा ऐसे को सुनाना क्या जो उसका खरीदा नहीं, जिसको आत्म में तड़प नहीं, परम धाम की चर्चा बाद में शुरू करेंगे। अब 9 से 12 बजे और 12 से 3 बजे तक 6 क्लास चर्चा परम धाम का रस बरसेगा। अब तुम सुनियो चित्त दे, अब तुम सुनियो, बात तुम्हारी जो है आत्म की खुराक का अब समय हो गया। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे, सब सेवा सुबह छोड़ के लाल दादी ने कहा बस भाई अब यहाँ बैठे, अब आके चरणों में बैठ गए। नहीं नहीं श्री महामति कहे साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, बुधवार हो गया, कल वीरवार को 6ठे और 7वें पैर की चर्चा हुई, फिर सारी बीतक साल एक तरफ और 8वां पैर एक तरफ, वो 2 दिन चलेगा शुक्र और शनि। इतवार सुबह समाप्ति से पहले यदि यदि कह रहा हूं
नो कमल्शन सद्गुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संपदाय सर्व सुंदर श्री राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत आप स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जब पन्ना जी में साक्षात विराजमान हैं तो जिन मोहनों ने पहचान लिया ईमान आ गया कि यह हमारे धाम के धनी अक्षरातीत हैं तो फिर इस संसार में जिस भांति परम धाम में हर वक्त लीला आनंद ही आनंद की होती है उसी तरह से अपने उस धाम धनी की सेवा और फिर आप स्वामी जी भी मोहनों को क्या धन देते हैं ये आठ पहर की सेवा में हम लोग सुन रहे हैं। पांचवां पहर 6 से 9 बजे का था जिसमें संध्या आरती और वाणी का क्या है ये सब सुना। अब छठा पहर रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक का है उसमें क्या आनंद हुआ क्या लीला होती है वह सुनिए। साथ सबे बंगले सब सुंदर साथ बंगला जी में अब चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। बैठे होए सन्मुख बिल्कुल हर कोई कोशिश करता है कि स्वामी जी के सामने आकर के बैठे क्योंकि सामने बैठने से आदमी सतर्क होके सुनता है। ये सौदा वाणी पढ़े और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं जाए सुख इस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। कुरान हदीस और कुरान और हदीसों को पढ़ने के लिए लालदास जी वह जो है रिहल किताबें लेके बैठ जाते हैं। गोकुलदास पढ़ते हैं और गोकुलदास जी पढ़ते हैं करने राज खुशाल अपने धनी को खुश करने के लिए इत चर्चा होते हैं चौप सो और स्वामी जी भी उनकी आयतें या श्लोक सुनकर बड़ी चौकसी के साथ चौक मैंने बड़ी चौकसी के साथ ध्यान के साथ सुंदर साथ को समझाते हैं। वर्षा हो तो देगा वर्षा हो तो देती है पानी वाली वर्षा नहीं भाई अद्वैत अखंड परम धाम की ये वाणी जो है बरस रही है रसना मीठी सो कहे और स्वामी जी आप बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ रस भरी रसना के साथ चर्चा सुनाते हैं। उड़ जात सब देगा और जिसके सुनने से द्वैत भाव ये जो ब्रह्मांड का सब मैं तय और ये सब कुछ कर्म कांड है उड़ जाता है इस वाणी के समझ में आने से मुरलीधर सन्मुख बैठता मुरलीधर के सन्मुख और मुख सो सन्मुख आके बैठता है। पलक न मारत नैना नैनों का पलक भी नीचे नहीं करता मुख सो मुख सन्मुख बिल्कुल स्वामी जी के सामने आके बैठ जाता है। श्रवण सुने मुख बैन और श्रवण सुने मुख बैन जो मुखारविंद के श्रवण शब्द निकलते हैं उसको सुनता है। एक बाजू श्री महाराजा एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण जी साथ अब देवकरण जी जितने भी महाराजा छत्रसाल जी के दरबारी लोग होते हैं
वो दिन में तो आ नहीं सकते, दरबार चलता है, संध्या में वो भी आके समय चर्चा सुनेंगे और दुर्गभान पीछे ले और दुर्गभान भी आते हैं जाके धनिए पकड़े हाथ। सौ बात की एक बात, चर्चा कौन सुनने आता है, जाके धनिए पकड़े हाथ, उनको निकाल निकाल के लाना और फिर बिठाना, फिर परम धाम के सुख देना। हमेशा दुर्गभान के, हमेशा दुर्गभान का क्या नियम था, घर में से दो लौंगे और एक रुपया दर रोज आके चरणों में भेंट करता है राम सेवा मिने। और तुला राम सेवा के अंदर आवत दर्शन को जब, अब उसका तुला राम का क्या नियम है, जब भी आता है स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करना, फिर सब सुंदर साथ को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, फिर बैठता है। क्या हो गया? और साथी कहती का, और जो है सब सुंदर साथ आकर के जो है इस समय चर्चा में बैठते हैं, कहां तक उनके अब नाम कोई लिस्ट थोड़ी सुनानी है, सब सुंदर साथ जो स्वामी जी के साथ हैं आके चर्चा में बैठते हैं, महाराज छत्रसाल जी के दरबारी लोग भी सब आते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी के कारण से और जो जीव सृष्टि है कोई तो मर्यादा पालने के लिए आते हैं, भाई चर्चा है, हमारा भी फर्ज है, सुनने जाना चाहिए, क्या करें, प्रोग्राम एक रखा हुआ है, ना जाएं अच्छा नहीं लगेगा, ये कहते हैं मर्यादा को पालना, पर दिल में तड़प नहीं है कोई परवाह की सनंद। और कोई कहते हैं यार चलेंगे, सारा दिन के थके हुए कल चले जाएंगे, और दूसरे दिन आ गए, आगे कहते यार ये कल की चर्चा तो हमने सुनी नहीं, चलो पीछे होके बैठ जाओ, आराम से दीवार के साथ टेक लगा लेंगे, सुना सुना ना सुना ना ही सुना सही। कोई सुनत है पुष्ट में, अब सुनना पुष्ट मर्यादा प्रवास से आना और फिर आके पुष्टि से बैठना है, ये नहीं कि अभी पांच मिनट बाकी, ना पहले आके बैठना, और फिर कुछ आते हैं मर्यादा पालने, अरे अभी चर्चा तो शुरू होने दो यार, तब तक चलते हैं बाद में आना, और कोई परवाह में आना आए आए ना आए ना ही सही, ये सुनने की बुनियाद, ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहत है पुष्ट में, कोई ग्रहत है लेता है पुष्टि के अंदर के माथे ले से देने, राज्य मेरी खातर आए, मुझे माया से निकालने के लिए आए हैं और मुझे ही सब कुछ समझा रहे हैं, इस तरह से पुष्टि से जो है लेते हैं, कोई रहे मर्याद में, कोई मर्याद में लेते हैं, अरे भाई ठीक है, जब तार्थम ले लिया है टिकट तो मिल गया परमधाम का और राज्य आए हैं तो फिर लेकर के ही जाएंगे, रहा क्या है ज्यादा चक्कर डालना है, कोई प्रवाह में लेते हैं, और कोई कहते भी जब उन्होंने कह ही दिया है क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड, तो अखंड तो हो ही जाना है, चर्चा सुनने से क्या कुछ ज्यादा लाभ, थोड़ा ही मिल रहा है, चलो देखी जाएगी, ये भी तक कही इनसे। आप स्वामी जी कहते ऐसे हाल के लोग आया करते थे और आज भी वैसे ही, पुष्टि मर्यादा और पर से आना, फिर सुनना, फिर अमल कर, इसमें संकोच किस बात की है, अरे अपनी आत्म के धनी के सम्मुख होना, उनकी बात को अमल में लाना, किसी के पर्दे शरीरों पे नहीं होते, उठा के एक तरफ रख देने चाहिए, एक पांव भरे पुष्ट में, और फिर जब समझ में आ गई कि मेरे लिए आए हैं तो फिर रेणी कौन करेगा, मैं करूंगा, पुष्ट से पांव भरने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतारना, रहनी में लाना, अमल में ले आना, दूजे मर्याद में कदम, और दूजे मर्याद में यार चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, करना जरूर है कल कर लेंगे, और कल उठे यार अच्छा, फिर घर वाली पत्नी को कर, भाई तुम कर देना मैं काम से जा रहा, एक मर्यादा नियम पालना है, एक परवाह में पाओ, एक परवाह में किया किया ना किया ना ही सही, आत्म पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है, आश्रय वो भी शिव जी का लेते हैं, जो एक एक के तीन तीन। अब स्वामी जी कहते हैं पुष्ट मर्यादा प्रवाह से आना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से सुनना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से अमल में लाना, नौ तरीके हो गए, और नवधा प्रकार की भक्ति है हिंदुओं में जो शरीर से होती है, पहले तीन से गुना करो 27 और फिर 27 को तीन से गुना कर दो
ये 81 पक्ष शरीर से जो भक्तियां होती हैं उनकी है, और ये वैकुंठ तक सिर्फ ले जाएगी, आगे नहीं। और फिर 82वां पक्ष जो है वो वल्लभाचार्य मार्ग वालों का है, जो गोलोक तक ले जाते हैं। और 83वां पक्ष कबीर जी का है, जो अक्षरधाम तक की पहचान देता है। आगे जो 25 पक्ष हैं वो अपने हैं, वो स्वाय तारतम वाणी के बिना, स्वाय चित्तवन के बिना शुद्ध आ नहीं सकते। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के हैं, जहां हम धनी के साथ अपने प्रीतम के साथ व्यवहार करते हैं। कहे उन ऊपर अलख, ओ आज दिन तक भी किसी को खबर नहीं, अलख मैंने कोई भी जानता नहीं है। ये 25 की बात बड़ी, स्वामी जी कहते हैं ये 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अक्षरातीत की निज स्वरूप की लीला का स्थान है। जिन नजर लाहुत पर जिनकी दृष्टि परम धाम में, वही इसका सुख ले सकते हैं। सो हिसाब में ना, स्वामी जी कहते हैं वो हिसाब से परे की बात है, यहाँ हर चीज हिसाब के अंदर है। दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। यहाँ हर चीज लिमिट में है, क्यों? दिन इतने कलाक, रात इतने कलाक, ऋतु इतनी, समर इतना, विंटर इतना, 14 महीने का नहीं हो सकता कोई भी। हर चीज जो है लिमिट के अंदर है, आयु लिमिट के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु लिमिट के अंदर है, वहां लिमिट का क्वेश्चन ही कोई नहीं है। कहो सहयोग की खातिर, पर स्वामी जी कहते हैं इसलिए उस अनलिमिटेड को कहना यहां पड़ रहा है बेशुमार अनलिमिटेड। ल्याऊं शुमार में वास्ते लामने दिल रोहन, जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके हृदय में ये आ जाए, इसलिए कह रहा हूं। तामे सात घाट परम धाम के केल, लिवोई, अनार, अमृत, जामु, नारंगी, अने वाटर, और जमुना जी पुल दो है। और जमुना जी के ऊपर दो पुल हैं, एक केल का पुल है, एक वट का पुल है। और जो रंग महल है, नौ भूम दसवीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए, बस ये सुंदर साथ जी यहाँ बैठकर ओ चितवन से अपने निज घर निज सुखों को देखिए। और महल 24 को अब कहाँ पर है? हौज कौशल से आगे दक्षिण की दिशा में जब हम जाएंगे तो पहले पहले हौज कौशल आएगा, हौज कौशल से फिर दक्षिण को जाएंगे 24 सास का माहौल आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो मानक पहाड़ आएगा। चार हवेली हर, और चार हर हवेलियों के छोड़ के चारों तरफ सागर के। अब ध्यान देना, एकदम आठों सागर चले जाओ। उस चार हर हवेली जो है पलखी छोड़ के बड़ोबन मधुबन चार हर हवेली, और उसके बाद लास्ट जो राउंड है पैकर्मा है वो सागरों की है। एक सागर एक जमीन खाली, एक सागर एक जमीन, आठ सागर और आठ जमीन घेर करके बड़ी अलांग लास्ट बाउंड्री पर है ये। और जमी के होए, और आठ जमी है बीच में, और बड़ी रांग की, बड़ी रांग मैंने लास्ट बाउंड्री जो है उसकी मौलाद जो इतनी ऊंची है कि उठा के गर्दन दिखने से भी नहीं दिखती है। गिर्दपाल कही सोए, जो गिर्दपाल करके कही है। और आठों सागर, और आठों सागर जो है नूर सागर, खीर सागर, दधी सागर, मधु सागर, गृत सागर, रस सागर और सरोरा सागर, और पहाड़ पुखराज, और पुखराज पर ये उत्तर की तरफ है। रंग महल के उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ हैं। जमुना जी यहाँ प्रगति, वहां से श्री जमुना जी प्रकट करके 4.5 लाख कोस जो है वो पूर्व को चलती है, 2.25 लाख थंबे लगे हैं, ऊपर ढपी हुई है, पुल है, ऊपर गुमटियां हैं, पताके हैं, लहरा रहे हैं, 2.25 लाख खुली चली है, फिर मरोड़ खाके 9 लाख कोस जाती है दक्षिण को, वहां से फिर पश्चिम को मुड़के 4.5 लाख कोस हौज कौशल में जाती है। ये चर्चा जो पहली विकर्मा की है, स्वामी जी दर रोज जो है इतना अवश्य समझाते हैं, क्योंकि कहते हैं सुंदर साहब जी ये हर समय की चर्चा है। जब भी हम रंग महल में जाएंगे, सात घाट, चांदनी चौक,
ये सब कुछ नजर में, हर वक्त जो ये नहीं कि रट लेने से काम चलेगा, हमारे मगज में ये चीज बैठ जानी चाहिए। ओम कही अद्वैत, जो अद्वैत भूमि है, द्वैत का मतलब जहाँ द्वैत नहीं है, एक तत्व है, एक स्वरूप है, एक लीला है, जहाँ कम बेशी कछु है ही नहीं, पच्चीस पक्ष में सब है, और सारा परम धाम जो है 25 पक्ष के अंदर है।